भुना पिप्सा तिल्ली कलेजी बोटी चटपटी बिना ज्यादा मसाले के बहुत ही चटपटी बनेगी। इतना आसान तरीका है, आज मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है कलेजी पिप्सा तिल्ली, सबको अच्छे से पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए एक बराबर के पीसेस आप कट करिएगा। यहाँ पर मैंने 2 किलो लिया है, आप 1 किलो या जितना चाहे उस हिसाब से सारी क्वांटिटी लीजिएगा मसालों की। तो इसको हम अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे, ब्लड ना रहे। कुकर में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, 2 बड़ा टेबलस्पून हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 2 बड़ा टेबलस्पून, क्योंकि हमारे कलेजी पिप्सा मैंने 2 किलो लिया है उस हिसाब से आप 2 टेबलस्पून डालिएगा। अगर आप 1 किलो लेंगे तो 1 टेबलस्पून डालिएगा। तो जैसे ही थोड़ा सा भुन जाए हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट, हम इसमें अपना जो पीसेस सारे हैं अच्छे से वॉश करके इसमें डाल देंगे। अब नमक आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा। अब हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक इसको अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ थोड़ा भूनिए। देखिए होता क्या है, वही रोजमर्रा की एक जैसी रेसिपी खा के, बकरीद में जो कलेजी भी बनती है वो मसाले में ज्यादा मसाला मसाला खाकर मन भर सा जाता है, बिल्कुल मन नहीं करता खाने का ये सब। तो ऐसा लगता है कुछ हल्का सा चटपटा खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो ये जो मैं बता रही हूँ बहुत ही आसान है और मसाले भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही चटपटा लगेगा और आपको खाया जाएगा बहुत अच्छे से। तो 1 ग्लास पानी डालकर इसको अच्छे से 7 से 8 सीटी ले लीजिएगा, जिससे अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखिए एकदम अच्छे से हमारा गल गया है। अब जो पानी बचा हुआ है, ये देखिए पानी काफी है हमारा, इसको हमको सुखाना है। तो हाई फ्लेम पर इसको पकाइए, इतना अच्छे से भूनिए, इसको पकने दीजिए, ढक्कन खोलकर पकने दीजिएगा, जिससे ये अच्छी तरीके से सूख जाए पानी इसका। आई एम वेरी श्योर ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। जैसे ही पानी सूख जाए हमारा, हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे पैन में। पैन में ट्रांसफर करने के बाद हम इसमें डालेंगे रोस्टेड क्यूमिन सीड्स पाउडर, यानी कि भुना जीरा पाउडर 1 बड़ा टेबलस्पून। अब हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अब 2 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको मसालों के साथ भूनिए। बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये, आप इसको अपने मेहमानों के लिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लिए बनाइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ये बकरा ईद की स्पेशल और बहुत ही हटके रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और भी अच्छे अच्छे मज़ेदार लज्जतदार रेसिपी मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियोस आपके पास पहुँचे। मैं ऐसे ही हर वीडियोस में आपसे मिलती रहूँगी, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड फाइंड द फूडी इन यू। बाय बाय।